स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 होम साइंस। बेटा आज का टॉपिक है दहेज समस्या तथा उसका उन्मूलन। अभी तक हम गृह विज्ञान में बायो का भी और सोशियोलॉजी का भी सभी पढ़ाते रहे हैं। आज का टॉपिक है दहेज समस्या तथा उसका उन्मूलन। उसके विषय में बताते हैं दहेज क्या है और उन्मूलन इसका कैसे निवारण होना चाहिए, दहेज किसे कहते हैं, इसके विषय में डिटेलिंग से हम बता रहे हैं। ओके, आ जाइए। दहेज समस्या एवं उसका उन्मूलन। ओके, आज का टॉपिक ये है क्लास 12 ग्रेड के, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन होता है दहेज क्या है, दहेज से क्या आशय है। दहेज से क्या आशय है ना बेटा, दहेज क्या है इसके विषय में डिटेलिंग हमने पहले भी बेटा कई चैप्टर पढ़ाए हैं, उसने भी बताया है। हर लेसन में पहले लेसन के नेम का अर्थ जान लेंगे तो डिटेलिंग लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है ना। पहले हम अर्थ जान, उन्मूलन मतलब समाप्त निवारण, दहेज जो वन को दिया जाता है, वन पक्ष में दिया जाता है, उसको बोलते हैं दहेज, है ना। अब ये पहला प्रश्न आपका, इसका हम बता रहे हैं दहेज किसे कहते हैं, दहेज से क्या आशय है। सामान्य रूप से विवाह के अवसर पर पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली वस्तुओं एवं धन संपत्ति को दहेज कहा जाता है। बेटा सामान्य रूप से दहेज से क्या आशय है, सामान्य रूप से हम बोलते हैं सामान्य रूप से विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली वस्तुओं एवं धन संपत्ति को ही हम दहेज कहते हैं। कन्या पक्ष वाले जो वर पक्ष को वस्तु भी देते हैं, धन देते हैं, संपत्ति देते हैं और भी दहेज जो सामान देते हैं उसको हम बोलते हैं दहेज कहते हैं। ये आपके 2 नंबर का आता है बोर्ड में। ओके, आप समझ गए। सेकेंड नंबर आइए आप, आपके आपके अनुसार दहेज प्रथा क्या है, आपके अनुसार बेटा दहेज प्रथा क्या है, अच्छा है या बुरा है ना।
क्या है? अच्छा है, बुरा है? बुरा है ना, क्योंकि बुरा इसलिए है क्योंकि जो गरीब होते हैं उनके पास इतना दहेज नहीं होता कि वो अपने बेटी को दे सके, है ना। दहेज ना होने के कारण अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसमें दहेज में बुराई है। और किसी पक्ष से देखा जाए तो बेटा दहेज अच्छा भी है, कुछ कुछ पक्षों में देखा जाए। दहेज अच्छा किस लिए है? यदि व्यक्ति माता पिता दहेज जुटाने में लग जाते हैं, जैसे कन्या जन्म लेती है वैसे उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं कि दहेज एकत्रित करना उनके दिमाग में चलने लगता है कि हमें आगे चलकर क्या करना है ना, इसके विषय में सोचने लगते हैं। तो दहेज एक तरह से देखा जाए दहेज अच्छा है, क्योंकि माता पिता के पास यदि दहेज है, यदि उनके पास संपत्ति है तो वो क्या करते हैं, बच्चे की पढ़ाई में अवरोधक बन जाते हैं, अवरोध बन जा हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पाते। बच्चा पढ़ने पर 12th निकला, 12th के बाद उसकी शादी कर देते, क्योंकि उनके पास अचल संपत्ति है और दहेज जुटाने में समर्थ है, इसलिए बच्चे का विवाह कर दो। तो शिक्षा में अवरोध हो जाता है ना, क्योंकि विवाह कर देते हैं तो शिक्षा में अवरोध। और जो माता पिता असमर्थ है दहेज जुटाने में, वो अपनी कन्या का विवाह लेट करते हैं, और जब लेट करते हैं तो कन्या धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है, और हो भी सकता है तो वो सामर्थ्य भी हो जाती है पढ़ लिख करके, और अपना किसी कार्य में कार्यरत हो जाती है, अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेती है। और शिक्षा ग्रहण करने क्या है, माता पिता धन जुटाने में असमर्थ होने के कारण ही कन्या ने अपनी शिक्षा ग्रहण कर ली, ठीक है। तो दहेज देखा जाए अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है। अब आ जाइए, सेकंड बता रहे थे, आपके दृष्टिकोण से बेटा दहेज प्रथा क्या है? प्रथा क्या है? मैंने अभी पूछा ना, पहले आंसर में बता रही, शॉर्ट में मैं डिग्री सामाजिक बुराई, दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाइए, ये बेटा बहुत शॉर्ट में छोटे, लेकिन आप क्या इसको प्रश्न का ये आंसर जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई। और आपके बेटा 2 नंबर के आते हैं, इतना बस शॉर्ट पे आप लिख लेंगे। यदि 5 क्वेश्चन है तो आप लिख लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10, है ना। ओके बेटा, अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा समाप्त हेतु, बेटा 2 सुझाव आप बताइए पहले, 2 सुझाव दीजिए, दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए 2 सुझाव बताइए बेटा पहले आप। नंबर 1 आंसर में क्या करना चाहिए, शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करना चाहिए। नंबर 1
नंबर दो, विवाह योग। युवकों को बुराइयों के प्रति जागरूक करना। ओके बेटा, शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करना। नंबर दो, विवाह योग युवकों को बुराइयों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, चलिए आपको पता चल गया दहेज क्या है, उन्मूलन के लिए हमें क्या करना चाहिए, दहेज किसको दिया जाता है ना, इसके विषय में आपको ज्ञान हो गया। दहेज में क्या हानि है, क्या लाभ है, इसके विषय में भी है ना, आप आ जाइए। दहेज निरोधक अधिनियम। निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, नाइनटीन्स 61। ओके, दहेज प्रथा रोकने के लिए बनाया गया था। नाइनटीन सिक्सटी वन। ओके, अब आ जाइए, दहेज प्रथा से हानियां। दहेज प्रथा से हानियां, दहेज प्रथा से हानियां बहुत है। यदि कन्या पक्ष दहेज जुटाने में असमर्थ होता है तो अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पाता है, असमर्थ होता है तो व्यक्ति को यानी कन्या पक्ष को अनेकों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कन्या पक्ष को, क्योंकि वह धन जुटाने में असमर्थ है, क्योंकि दहेज प्रथा से हानियां। दहेज प्रथा मैंने बता दिया, दहेज का सामान्य अर्थ बताया है आपको, वर पक्ष को, कन्या पक्ष वाले वर पक्ष को धन संपत्ति जो दहेज के रूप में देते हैं वर पक्ष को, उसी को हम क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं, है ना। तो अब दहेज प्रथा से हानियां, दहेज प्रथा की हानियां में आप आ जाइए। दहेज प्रथा का सामान्य अर्थ है
वर्मूल, वर्मूल, कन्या का विवाह, करने के उपलक्ष्य में द्वारा जो नगद या उपहार, उपहार, जेवर इत्यादि वर पक्ष को दिया जाता है, दिया वर बच्चों को दिया जाता है, उसे ही दहेज की संज्ञा दी जाती है। दी जाती है। दहेज प्रथा का सामान्य अर्थ है वरमूल, कन्या का विवाह के उपलक्ष्य में कन्या पक्ष द्वारा जो नगद या उपहार, जेवर इत्यादि वर पक्ष को दिया जाता है, उसे ही दहेज की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना। अब आपको दहेज प्रथा से हानियां बता रहे हैं। दहेज का अर्थ पहले भी बताया, फिर दोबारा भी बता चुके हैं आपको। आप याद क्या करना, एक बार पढ़ें और उसमें कॉपी में लिख लें। ठीक है बेटा। दहेज से हानियां बता रहे हैं दहेज प्रथा से। नंबर 1, दहेज। आपको पता ही होगा बेटा, दहेज न देने से कितना मतलब स्त्रियों को सताया जाता है, यहाँ तक कि जला भी दिया जाता है ना, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है ना, उनमें उत्पीड़न बहुत सताया जाता है उनको। किस लिए? सिर्फ दहेज न मिलने के कारण वर पक्ष हानिया, इसलिए स्त्रियों की दशा बेटा दयनीय है। यदि उनके पास, यदि उनको धन संपत्ति नगद जेवर आदि लेकर के वो जाती हैं वरपक्ष शादी होकर ससुराल, तो उनकी खुशामत होती है। यदि उनके पास धन नहीं है, अरे उनके माता पिता ने धन नहीं दिया, तो उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, सताया जाता है ना। दहेज प्रथा से हानिया में आइए। नंबर 1, उत्पीड़न। नंबर 2, ऋण ग्रस्तता। ओके। नंबर 3, अनैतिकता। में वृद्धि। नंबर
नंबर चार आत्महत्या है। नंबर पांच कन्या वध। नंबर छह बेमेल विवाह। नंबर सात स्त्रियों की निम्न स्थिति। नंबर आठ अनेक समस्याओं का जन्म। पारिवारिक कलह। टेन नंबर दस नंबर पारिवारिक विघटन। बेटा आ जाइए दैत्य पिता से हानि या स्त्रियों का उत्पीड़न। यदि स्त्रियां यदि कन्या धन लेकर नहीं आती तो उनको सताया जाता है और जला भी दिया जाता है और मार भी दिया जाता है और उनको बहुत उत्पीड़न यानी बहुत सताया जाता है। ठीक है ऋण ग्रस्तता आपको पता ही है। माता पिता कितना भी गरीब हो लेकिन दहेज जुटाने में कोशिश करते रहते हैं दहेज जुटाने के लिए क्योंकि अपनी कन्या के विवाह के लिए धीरे धीरे वो धन जुटाते रहते हैं। धन जुटाने में उनको ऋण भी लेना पड़ता है और ऋण यानी कि ले करके अपनी कन्या का विवाह करते हैं। फिर भी कन्याओं को कन्या को सुख नहीं मिलता क्यों वो ले करके गई लेकिन वर पक्ष के लिए वो भी धन कम था है ना। अनैतिकता में वृद्धि आपको पता ही होगा बेटा धीरे धीरे दहेज एक बहुत बड़ा भयंकर रूप लेती जा रही है जिसे कन्याओं को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आ जाइए अनैतिकता मीन्स होता है बेटा गैर कानूनी जब उनके माता पिता के पास सामर्थ्य नहीं है धन जुटाने में अनैतिकता में वृद्धि यानी गैर कानूनी वो धन लाने लगते हैं गैर कानूनी ढंग से अपनी कन्या का विवाह करते हैं क्योंकि उनको दहेज देना है ना। आत्महत्या दहेज ना दे पाने से माता पिता जब कन्या का विवाह करने के उपरांत क्या होता है आत्महत्या कन्या को झेलना पड़ता है या स्वयं आत्महत्या कर लेती है या कर दिया जाता है उत्पीड़न से। कन्या वध पद मीन्स मार देना। बहुत जगह बेटा ये भी होता है कि जैसे ही क्या होता है जैसे कहते हैं लिंग में सिर्फ लड़का लड़की भेद इतना है लेकिन लड़के का उच्च स्तर लड़की का निम्न स्तर है ना लड़की का निम्न स्तर
कन्या बंध, जैसे बहुत जगह होता है कि कन्या जन्म लिया तो मातंग छा जाता है, जैसे लगता है कोई मर गया हो। कन्या बंध, कन्या का जन्म होते ही बहुत लोग बड़े उदास हो जाते हैं। अब कुछ जगह ऐसा भी होता है कन्या की जगह जन्म लेते ही उसको मार भी दिया जाता है ना। कन्या बंध, जबकि समस्त कन्या ही कहते हैं पृथ्वी से बढ़ करके, है ना, किसका स्थान ऊंचा है? माता का। और आकाश से ऊंचा पिता, आकाश से ऊंचा पिता पृथ्वी से बढ़कर माँ है ना। तो माँ का स्थान सर्वोच्च यानी ऊपर होता है, कितना भी हो सर्वोच्च होता है। तो कन्या एक दिन गृहिणी बनती है, माँ का रूप माँ ही बनती है। तो कन्या का वध कर दिया जाता है ना, बेमेल विवाह। माता पिता धन जुटाने में असमर्थ होते हैं तो वो क्या करते हैं, बेमेल विवाह कर देते हैं। स्त्रियों की निम्न स्थिति, स्त्रियों की धीरे धीरे दहेज न जुटाने के कारण माता पिता जब विवाह कर देते हैं तो स्त्रियों की दशा कैसे होती, निम्न। अनेक समस्याओं का जन्म, दहेज न होने से अनेक समस्याओं का जन्म होता है। पारिवारिक कलह, कन्या पक्ष पर वर पक्ष के यहाँ धन लेकर नहीं आती तो पारिवारिक कलह होती है। धन लेकर आती तो उसका सम्मान होता, यदि वो धन लेकर नहीं आई तो क्या होता है, पारिवारिक कलह। और कलह का कारण क्या होता है, दहेज। कलह का कारण दहेज, ओके। पारिवारिक वितरण, जब पारिवारिक कलह होगा तो परिवार धीरे धीरे क्या होगा, विघटन, विघटन की ओर हो जाएगा। अलग विघटन यानी जब दहेज अधिक का की आशा होगी तो परिवार में क्या होगा, धीरे धीरे विघटन होने लगेगा। चलिए इसे समाप्त कर, हमने बता दिया उन्मूलन कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था, 1961, ओके। अब आ जाइए दहेज प्रथा के कारण। दहेज प्रथा के कारण दहेज प्रथा के कारण में आ जाइए। नंबर वन, अनुलोम विवाह। नियम नंबर टू, अंतर विवाह। ओके, नंबर थ्री, स्त्रियों का, आपको पता ही बेटा स्त्रियों का पहले से अब तक क्या स्थान था, निम्न। लेकिन अब धीरे धीरे स्त्रियां आगे बढ़ती जा रही तो उनका स्थान निम्न हटता जा रहा है। स्त्रियां हर क्षेत्र में है ना, तो स्त्रियों का स्थान निम्न से अब हटता जा रहा है। निम्न स्थान, ओके। निम्न स्थान चौथा नंबर बेटा, विवाह की
विवाह की अनिवार्यता हिंदू धर्म में क्या है? विवाह की अनिवार्यता है। पांच नंबर पे आ जाइए, धन के महत्व में वृद्धि। ओके, सिक्स नंबर, दैपत्य के कारण क्या है? अनुलोम विवाह का नियम, अंतर विवाह का नियम, स्त्रियों का निम्न स्थान, विवाह की अनिवार्यता, धन के महत्व में वृद्धि।